हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैटगम। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे क्या जो है हमारा लीनियर पैटर्न क्या होता है। यानी कि लीनियर पैटर्न हम पहले भी देख चुके हैं, बट वो होता है स्केच, लीनियर स्केच पैटर्न। ठीक है, बट ये है जो अगर आपको वो स्केच में अगर जो पैटर्न करना होता था तब वो देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। बट अभी क्या, अगर तो आपको सॉलिड बॉडी में किसी में पैटर्न बनाना, कोई होल बनाना है, या कोई भी साइज बनाना है, या कोई भी ड्राइंग बनानी है, तो उसे अगर आपको डिफरेंट जगह या बहुत सारी जगह सेम बनाना है, तो उसके लिए हम जो है पैटर्न कमांड, लीनियर पैटर्न कमांड करते हैं। अगर तुम्हें एंगल में एक्सिस पे पैटर्न कराना है तो ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे। मैंने दोस्तों एक मॉडल बना लिया है पहले से ही, और ये मॉडल टाइम सेव करने के लिए है। और जो है ये आपका एक, इसमें मैंने होल बना लिया है। अब ये जो है, इस होल को मुझे अगर पूरी बॉडी पे इसे पैटर्न कराना, तो किस तरीके से करें? या तो मैं सारे में बनाऊँ, अच्छा कि मैं इसे पैटर्न करा दूं तो इजीली हो जाएगा और मेरा टाइम सेव हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये पैटर्न कमांड का यूज करेंगे। अब चलते हैं फीचर में, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे लीनियर पैटर्न। ठीक है, ये सेलेक्ट करेंगे, ये मांगेगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दे दी। उसके बाद मांग रहा है डायरेक्शन टू, कि भाई दूसरी डायरेक्शन कौन सी है, मैंने ये दे दी। अब मांग रहा कौन सी बॉडी आपको इसमें करानी है। ठीक है, पैटर्न, ये बॉडी मैंने दे दी। अब इसका दोस्तों ये प्रीव्यू दिखा रहा, बट अभी हम करेंगे क्या, यहाँ से इसके नंबर ऑफ इंस्टेंट बढ़ाएंगे। वो तो काफ़ी ही है नंबर ऑफ इंस्टेंट, यहाँ इसका स्पेस बढ़ाना है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, ये स्पेस मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, 65 कर दिया। दूसरे के बीच में भी स्पेस मैं बढ़ा सकता हूँ, डायरेक्शन टू में, बट इसमें नंबर ऑफ पैटर्न्स में बढ़ाने पड़ेंगे मुझे, ये देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ाएंगे। अभी ये इसलिए नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे फुल प्रीव्यू कर रखा है, इसे पार्शियल करूँगा तो आपको दिखाएगा ये देखिए। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ये डायरेक्शन टू पर क्लिक करेंगे, ये देखिए बॉडी पे दिखाने लग गया। ठीक है, और अभी भी मुझे लग रहा है इसके बीच का स्पेस कुछ कम है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बट ये बाहर निकलने के चांसेस आ गए हैं इसके, बच गया, देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इतना कर दिया, और आप इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखिए पूरी बॉडी पे होल कितने अच्छे से बन चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कि बन चुके हैं। बट इसमें भी अगर आप चाहते हैं, कई चीज़ें हैं आप चाहते हैं इसमें, कि मैं कुछ इस प्लेस पे या इस प्लेस पे कुछ जगह के होल आप स्किप करना चाहते हैं, तब भी इसे कर सकते हैं। तो इससे हम क्लिक करेंगे और हम जाएंगे एडिट में। अब आपको कोई अगर बॉडी जो है स्किप करनी है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे इंस्टेंट स्किप पे। देखो, जैसे ही इस पर क्लिक करा, यहाँ पे ये एक सिंबल सा कलर का, बैगनी कलर का सा ये सिंबल आने लगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हटते चले जाएंगे। जहाँ क्लिक करेंगे आपको ये हटाना है, ये हट गया, ये हटाना है, ये हट गया, ये हटाना है, ये हट गया। इस तरीके से आप कितने भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, ये देखिए ये इतने बीच के हमने हटा दिए। इसमें जितने भी आप ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्या एडिट में जाइए और क्लिक करिए, और यहाँ से ये को जो जितने करें ये आप हटा दीजिए, पूरे पर रहने दीजिए। दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर आपको, जैसे ये हमने डायरेक्शन आपने कहा स्पेस, अगर आप चाहते हो ये स्पेसिंग इस तरीके से ना देगा, आप किसी के रेफरेंस में भी दे सकते हो। अप टू ये कर दिया, आप यहाँ से कोई भी फेस आप सेलेक्ट कर लो और जिसके रेफरेंस में आप देना चाहते हो दे सकते हो। तो ये एक तरीका है जो रेफरेंस में, प्लेन के रेफरेंस में दे सकते हो। मान लो इसके रेफरेंस में दिया, और यहाँ से एक्सिस डिस्टेंस बढ़ा दो, ये देखो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, इजीली। और इसी तरीके से सेंटर से करना है या सिलेक्टेड रेफरेंस से करना है, ये भी चीज़ इसमें बताता है, ये देख लीजिए। अब ये हो गया सेंटर रेफरेंस से जहाँ से हमने करा है, और इसी तरीके से डायरेक्शन टू में भी सेम प्रोसीजर है, वो कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से करके देखेंगे, ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने ये वर्टेक्स में यूज कर रखा है। ठीक है,
इसलिए ये नहीं हो रहा, बट बाकी हम इसको कर सकते हैं इजीली। तरीका यही है। और दूसरा पैटर्न, पैटर्न खाली यानी कि पैटर्न पर इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि पहली लाइन जो है मेन जो डायरेक्शन, अगर वो ही देख आपको चाहिए, एक लाइन इधर हो एक लाइन इधर हो, तो पैटर्न सी पर करेंगे, तो यहाँ पर ओके करेंगे। इस तरीके से आपको देखिएगा, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो और ये अगर पूरे पे करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और अपना ये पैटर्न पर हाइड कर दीजिए, पूरे पे कर लीजिए। इस तरीके से दोस्तों ये कर सकते हैं। और इसमें भी कोई बॉडी का ये पार्शियल प्रीव्यू और फुल प्रीव्यू कर सकते हैं। फुल करना तो फुल हो जाएगा, जब अगर फुल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये मैंने दोनों पे कर दिया इसलिए नहीं हो रहा, एक चीज़ एक ही लेगा, ये यहाँ पे कर दीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और इससे जो है आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी। और ये मैंने पैटर्न का कुछ कर दिया है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो इस तरीके का ये रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।